इफ यू हैव स्किप्ड द जिम एंड आपको रिग्रेट फील हो रहा है, आप यू नो सोच रहे हो मैंने क्यों जिम आज मिस किया, बहुत रीजन होते हैं जिम मिस करने के ना, कभी दर्द हो सकता है, कभी मन नहीं कर रहा, बहुत चीज़ हो सकती है, कभी कभी हम मिस कर देते हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट। बट जो रिग्रेट होता है उससे निकलने के लिए और जो कैलरी हम स्टोर करते हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल सा कोई भी 15-20 मिनट वाला वर्कआउट अपने छत पे घर के अंदर कर लो। जो मैं करता हूँ मेरे हिसाब से, मैं अपने मैक्सिमम मसल्स को यू नो वार्म कर देता हूँ, हल्का फुल्का पंप आ जाता है, मसल्स रेडी हो जाते हैं पूरी तरह से, और स्किपिंग जो मैं करता हूँ वो अच्छा अमाउंट ऑफ कैलरी बर्न करता है, जो वर्कआउट करता हूँ वो कैलरी बर्न करता है। इससे क्या है, मेरा रिग्रेट जो है वो कम हो जाता है, जाता तो नहीं है, कम हो जाता है, और मसल भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो उसके लिए ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ, सॉरी भूल गया था। अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता हूँ आपको वीडियो में। हम कुछ वार्म शुरू करेंगे। आप कुछ भी टाइप का वार्म अप यूट्यूब से देख सकते हो और ना ये फॉलो कर सकते हो, जिससे हमारा बॉडी छोटा जो वर्कआउट करने वाला है उसके रेडी हो जाए। इसका जो मेन मकसद है मसल्स को वार्म अप करना है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम अपना मेन वर्कआउट शुरू करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्किपिंग। इसका मेन मोटिव है कैलरीज बर्न करना। स्किपिंग आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपके कैलरीज बर्न करता है, आपके अपर बॉडी को वार्म करता है, लोअर बॉडी को भी वार्म करता है। सो फर्स्ट स्किपिंग 6 सेट और स्पीड से मारेंगे, कोई स्लो स्किपिंग नहीं करेंगे, स्पीड से स्किपिंग करेंगे जिससे हमारा मैक्सिमम कैलोरी बर्न हो सके। नेक्स्ट जो है पुशअप। पुशअप बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज है जिसको हम हाई स्पीड से ईगो के हिसाब से मार देते हैं, बहुत सारा मारेंगे, बट ऐसा नहीं है। पुशअप अगर आप ध्यान से करोगे, पुशअप आपका अपर बॉडी पूरा रेडी कर देगा, पूरा पंप दे देगा। पुशअप इज दैट इफेक्टिव। सो पुशअप मारेंगे बट स्लो कंट्रोल्ड पुशअप होगा, पूरा नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर तक उठेंगे और पूरा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लोअर बैक को, अपर बैक को, हैंड्स को, शोल्डर्स को, ट्राइसेप को। सो मेक श्योर डू इट करें। नेक्स्ट है स्क्वाट्स। ये कोई जिम वाला स्क्वाट्स नहीं, हेवी वेट्स नहीं है, कोई ईगो नहीं है, इसमें हम पूरा फोकस करेंगे फॉर्म और अपने रेप्स पे, अपने क्वाड्स पे, हैमस्ट्रिंग्स पे, ग्लूट्स पे, ठीक है। स्लो पॉज रेप्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो हम अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर फोकस करेंगे, कोर को टाइट रखे, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स से पुश करेंगे, और जब नीचे जाएंगे हम अपने क्वाड्स पर फोकस करेंगे। ये वर्कआउट पूरा फोकस्ड होना चाहिए, तभी इफेक्ट करेगा, ठीक है। I feel this is one of the best. Cycling is one of the best thing that you can do for calorie burn and also heal you from mentally, physically, you know, emotionally. So if you have time, space, do cycling. Hope this helps. I love you guys all and I meet you guys in the next video.